हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर हेयर केयर वीडियो। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, बिल्कुल ही लाइव वाइट हेयर रूट्स, और रूट्स पे बहुत इजीली आपको नज़र आ रहा है कि बीच बीच में किस तरह के हेयर हैं। और मेरा काम है, हर बार जब भी मैं आपको हेयर केयर वीडियो आपके साथ शेयर करती हूँ, तो इस तरह से अपने वाइट हेयर रूट्स ज़रूर दिखाती हूँ, जिससे कि हर चीज़ क्लियर कट हो जाए। तो मैं आज एक बहुत ही अमेजिंग सा रेमेडी यूज़ करने वाली हूँ, रेमेडी का एक मेथड यूज़ करने वाली हूँ, जिससे कि बहुत ही ज़्यादा जेट ब्लैक कलर तो नहीं आएगा बालों पे, बट बहुत ही नेचुरल और बहुत अच्छा कलर आएगा। तो चलिए तो बनाते हैं। सबसे पहले मैंने पैन में 1.5 ग्लास के करीब पानी लिया है, भर के पानी लिया है, और साथ में मैंने बड़े वाला 1.5 बीट रूट को उसका छिलका उतार के उसको काट के छोटा छोटा इस तरह डाल दिया है। मतलब आप चुकंदर को लेंगे, उसका छिलका उतारिए, उसको पीसेस में कट कीजिए और इस तरह पानी में डाल दो। यहाँ पे मैं बीटरूट का पाउडर यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जब मौसम में मार्केट में बीटरूट अवेलेबल होता है तो आप उसको यूज़ करके देखिए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। साथ में मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ चाय पत्ती। चाय पत्ती आप देख सकते हैं, छोटे वाला स्पून है, 4 चम्मच डाल रही हूँ, और बड़े वाला स्पून डालेंगे तो 2 चम्मच इनफ रहता है। अच्छा, पानी को ना बहुत अच्छे से उबलने देना है। बिल्कुल आप ये समझिए कि लो टू मीडियम पे आप 15 मिनट के लिए इसको छोड़ दीजिए। जितना ज़्यादा पानी में बॉयल आएगा, उतना ज़्यादा इसका कलर इन्हांस होगा। मैंने अब एक सैशे लिया है कॉफ़ी का, और 3 चम्मच कॉफ़ी पाउडर है ये। अगर आप स्पून से मेजर करें तो 3 चम्मच है, अदरवाइज़ ये बड़े वाला जो सैशे आता है, एक पूरा सैशे ले लिया है। अब इसको मैं उबलने दूंगी। मैंने इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे, कि मतलब बाहर ना आए ये पानी उबल उबल कर, उतने में मैंने इसको छोड़ दिया और 15 मिनट तक इसको इसी तरह से उबलने दिया, और उसके बाद मैंने इसको 1-1.5 घंटे के लिए छोड़ दिया। जब भी थोड़ा सा वार्म रह गया ना, तब हम अपना मेहंदी घोलेंगे। मैं लोहे के बर्तन में ले रही हूँ 2 कड़छी के करीब मेहंदी, आप अपने बालों की लेंथ के हिसाब से ले सकते हो। उसके बाद जो हमने पानी रेडी किया है, और उसी से हम इसको अब घोलेंगे। ध्यान रखिएगा, पानी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं लेना है, बिल्कुल ही ठंडा बर्फ़ जैसा हो जाए ऐसा नहीं लेना है। आप को बस उतना पानी गर्म लेना है कि जितना वार्म हो। बहुत ज़्यादा उबला हुआ पानी भी ले लेंगे तो मेहंदी का कलर उड़ जाता है, ठंडा पानी में मेहंदी कलर अपना रिलीज़ नहीं करती है, तो वार्म वाटर लेना है। और इस तरह से हम इस अपनी मेहंदी को घोल लेंगे, और घोल कर रात भर के लिए इसी बर्तन में छोड़ देंगे। जो पानी बच जाएगा उसको फेंकेंगे नहीं, उसको अगली सुबह हम यूज़ करेंगे। तो इस तरह देख सकते हैं आपकी मेहंदी का कलर। अच्छा, आपको अगर ये लग रहा है कि पानी जो हमने बनाया है बीटरूट का बहुत ही ज़्यादा लाल है, डार्क मरून कलर है, तो बाल भी क्या इसी कलर के हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। बाल इस कलर के नहीं होंगे, क्योंकि अब इस कलर को बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पर भी ऐड कर रही हूँ सेम एक वही सैशे दोबारा से, यानी दोबारा से 3 चम्मच कॉफी पाउडर मैंने फिर से डाल दिया है, और इसको अब मैं दोबारा से घोल रही हूँ। पानी में जो कॉफी पाउडर डालते हैं और जो इस तरह डालते हैं ना, काफी फर्क पड़ता है। तो टोटल मैंने आज 6 चम्मच डाला, रात भर के लिए छोड़ दिया। अगली सुबह ना मेहंदी का कलर इस तरह से हो गया, साइड्स इसकी जो वॉल्स थी पूरी तरह से काली हो गई, और जो इसका लोहे की बर्तन की वजह से ना कलर बहुत अच्छा इन्हांस हो गया। अब मिक्स करेंगे, मिक्स करने से बिल्कुल इक्वली कलर बैलेंस हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे अगर जो इस तरह से मैंने आपको बाल सफ़ेद दिखाए हैं, उस तरह से आपके बाल सफ़ेद नहीं हैं, कम सफ़ेद हैं, 1-2 सफ़ेद है, तो आप यहीं पे इस मेहंदी को लगा सकते हो बालों पे। 2-3 घंटे के लिए लगाओ, बिना शैम्पू के धो दो। लेकिन अगर बालों को काला करना चाहते हो तो आप इसमें ऐड करो इंडिगो पाउडर। जितना मैंने मेहंदी डाला था उतना ही मैं इंडिगो डालूंगी यहाँ पे, और ये अदर आयुर्वेदिक कंपनी का इंडिगो पाउडर है। मैं जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ करूँगी वो सभी के जो भी हैं अमेज़न से आप ले सकते हो, और उनका लिंक आपको, एक लिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से सारे जितने भी मैं आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ वो सब मैंने उस लिस्ट में ऐड कर दिए हैं। अच्छा, मैंने उसी बीट रूट का जो पानी रात को बच गया था ना, उसी में थोड़ा सा और पानी डाल के उसको हल्का सा वार्म कर लिया। हल्का सा वार्म करने के बाद उसी पानी से इसको खोल लिया। अब हमारा ये मेहंदी इंडिगो बिल्कुल रेडी है लगाने के लिए। फिर से एक बार देख लीजिए इसी लाइट में, बिल्कुल ट्यूब लाइट में देख लीजिए बालों की कंडीशन क्या है। मेरी इस तरह की बालों की कंडीशन है, इसलिए मैंने इक्वल प्रोपोर्शन में लिया है। मतलब 2 कड़छी ही मैंने मेहंदी लिया था और 2 कड़छी ही इंडिगो पाउडर लिया है। आपके और भी ज़्यादा सफ़ेद हैं बाल तो आप डबल कर सकते हो। लाइक 2 कड़छी अगर मेहंदी ले रहे हो तो 4 कड़छी इंडिगो पाउडर कर दो, या 1 कड़छी मेहंदी लेके आप उसको बढ़ा दो, मतलब डबल क्वान्टिटी आप कर दो।
तो इस तरह से बालों की ये कंडीशन इस टाइम पे है, सेम वैसी जैसे मैं आपको पहले दिखा चुकी हूँ, उसी तरह से मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया है, अलग अलग लाइट में अलग अलग तरह से आप देख सकते हो। मेरे ना एक पोर्शन में, लाइक जो लेफ्ट साइड है ना, वहाँ पे थोड़े से ज़्यादा बाल सफ़ेद हैं, और वहाँ पे कान के पीछे से भी हैं और आगे से भी हैं, और राइट साइड में थोड़े कम हैं। तो इसलिए देखिए, आपको इस पोर्शन में ज़्यादा दिखेंगे, इस तरफ कम दिखेंगे। लेकिन जब मैं हिना लगाती हूँ तो मैं बहुत ही अच्छे से इस तरह से अप्लाई करूँगी, और हर एक रूट को, सफ़ेद बालों को बहुत अच्छे से कवर करूँगी। मैंने 2-2.5 घंटे के लिए इसको छोड़ा था, और पॉली बैग या शावर कैप आप पहन सकते हो, थोड़ी गर्मी मिलती है तो हिना कलर अच्छा रिलीज़ करती है। बिना पानी के 2.5 घंटे के बाद मैंने अपने बालों को धो लिया था। उसके बाद आप देख लेना कि मेरे बालों का कलर कितना प्यारा हुआ। और शैम्पू आपको करना है 48 आवर्स के बाद। ये देखिए, ये कलर आया बालों में, जिस तरह मैंने आपको बताया ना, बिल्कुल जेट ब्लैक, बिल्कुल ऐसे से डाई लगाई हो ऐसा कलर नहीं आएगा। बीट रूट डालने से बहुत ही नेचुरल ब्लैक कलर आता है, हल्का हल्का मरूनिश का शेड आएगा, ब्लैक हो गए सफ़ेद बाल, बहुत प्यारा सा कलर आता है। ट्राई करके देखो, अच्छा मेथड है। हाँ, लेकिन मैं फिर बता रही हूँ, अगर आप हमेशा से सिर्फ हेयर कलर लगाते आए हो किसी केमिकल वाला या कोई ब्रांड का, तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा इंडिगो को चढ़ने में, आपके बालों को सेटल होने में। एक बार इंडिगो अगर आपका जैसे बैठ जाएगा ना, हिना आप लगाते रहेंगे, तो आपको फिर हेयर कलर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये था आज का मेथड, 48 घंटे के बाद शैम्पू कीजिएगा तेल लगाने के बाद। तो कैसा लगा मेथड ज़रूर बताइएगा, ट्राई करके देखिए। चलिए फिर मिलती हूँ एक अच्छी सी हेल्पफुल सी वीडियो के साथ। बाय बाय।